लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर पी, ये आपके पास है वायर पी, कहां पे है ये री पी, ये पी वायर है ऐसे, 50 एम्पियर का करंट है, रिजिडली फिक्स्ड है, जिसको तो हिलाना ही नहीं, बात ही खत्म है। इसके ऊपर एक और वायर है क्यू, 25 एम्पियर का करंट है। इस क्यू वायर का वेट नहीं गिवन, वेट पर यूनिट लेंथ गिवन है। तो वेट पर यूनिट लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर गिवन है। अब वो कह रहा है कि मैं ये चाहता हूं क्यू वायर हवा में रेस्ट पे रहे, नीचे ना गिरे। तो अगर क्यू वायर हवा में रेस्ट पे रहे, नीचे ना गिरे, ऐसा क्यों होगा भाई? जब इसका वेट, तो कौन बैलेंस करेगा इस वायर की लगाई हुई फोर्स? तो मुझे पहला रूल ये बताओ, इसमें करंट कहां होना चाहिए? टुवर्ड्स लेफ्ट। वो क्यों? क्योंकि करंट यहां पर कहां है? राइट। यहां पर क्या है? लेफ्ट। टू वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल ईच अदर, और मैं चाहता भी हूं ये इसे रिपेल करे, ताकि एफ किसको इक्वल कर दे? डब्ल्यू। ठीक है, तो एक कंडीशन पता लग गई हमें कि एफ किसको इक्वेट करना चाहिए, जो ऊपर की फोर्स है वो वेट को बैलेंस करनी चाहिए। अब मुझे क्या गिवन है? वेट नहीं, मुझे गिवन है वेट पर यूनिट लेंथ। तो ऐसा क्यों नहीं करते, दोनों साइड्स को लेंथ से डिवाइड कर दो। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और इसका फॉर्मूला आपको आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला सबको पता है, इक्वेट करके आंसर आएगा। ये देखो, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये वेट पर यूनिट लेंथ है, ये गिवन है, सब कुछ गिवन है। क्या निकालना है? आर आंसर, डिस्टेंस निकालना है, आर आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है? कुछ चीजों का आंसर देना है। देखो क्या आंसर देना है, क्वेश्चन ये आएगा कि सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करने हैं, करंट कैरिंग वायर है, और सपोज इसके सामने एक और करंट कैरिंग वायर है, ये रहा I2। क्वेश्चन नंबर वन, ये दोनों वायर्स ये फिक्स्ड है, ये मूव कर सकती है लेफ्ट राइट, टेबल के ऊपर खड़ी नहीं है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई हॉरिजॉन्टल, तो ये वायर इसे अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल? रिपेल, अट्रैक्ट। व्हेन टू वायर्स कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो आपके पास फिर से करंट कैरिंग वायर है, इस बार करंट कैरिंग वायर में करंट कहां पर है? डाउन, नीचे, कितना? I2, करंट इज I2। तो दो वायर्स कैरी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल, तो ये दूर जाएंगे। इसके बेस पे और कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं।